हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ग्लास पेंटिंग। लेकिन ग्लास पेंटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इन कलर्स के बारे में और कुछ लाइनर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें ग्लास लाइनर्स होते हैं, 3D आउटलाइन होती हैं और ग्लास कलर्स के कुछ ट्यूब्स होती हैं। तो कौन कौन से आपको ये लेने चाहिए, किस तरीके के आपको यूज़ करने चाहिए, उस बारे में पहले मैं आपको पेंटिंग करने से पहले बता देता हूँ कि किस तरीके के। देखिए, फेविक कलर के ग्लास कलर्स आते हैं, जो आ जाते हैं 10 शेड्स के। इसका एक बॉक्स आ जाता है जिसकी MRP आ जाती है 110 रुपीज़। तो इसमें 10 बॉटल्स होती हैं अलग अलग कलर की। साथ ही में इसमें हमें मिलती है एक ग्लास लाइनर ट्यूब ब्लैक कलर की, जो हमें एक बड़े पैक में भी अवेलेबल होती है, एक छोटे पैक में भी अवेलेबल होती है। तो इसमें हमें 10 शेड्स मिल जाते हैं। इस तरीके के कुछ शेड्स आते हैं वो हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से एक छोटा पैक आ जाता है जिसमें आ जाते हैं 6 शेड्स। इसमें आ जाते हैं आपके MRP 75 रुपीज़ की, जिसके साथ इसमें भी आपको इस तरीके की 3D लाइनर आपको मिल जाएगी, जो इसके अंदर बॉक्स में अवेलेबल होती हैं। वो आपको छोटे बॉक्स में और बड़े बॉक्स में दोनों में ही अवेलेबल होती हैं। और कुछ मार्केट में देखिए अलग तरीके की ग्लास लाइनर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्लास पेंटिंग में। तो ये कैमिल की कंपनी की होती हैं ग्लास लाइनर, ये आप अलग से भी बाय कर सकते हैं। इसकी MRP आ जाती है 35 रुपीज़। तो ये आ जाती है देखिए मेटेलिक गोल्ड में। इसमें आपको सिल्वर भी मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगा। तो अभी मेरे पास एक ब्लैक रखा हुआ है, तो देखिए ये भी ब्लैक कलर की ग्लास लाइनर है जिसकी MRP आ जाती है 35 रुपीज़। इसमें ये आप देखिए यहाँ पे प्रिंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये आ जाती है सॉल्वेंट बेस्ड कलर जो आते हैं कैमिल के, उसके संग ये ग्लास लाइनर फ्री आती है। तो उसी की ये ट्यूब है, वैसे आप इसको अलग से भी बाय कर सकते हैं। और साथ में आ जाती है मार्केट में आप देखिए फेविक्राइल के 3D आउटलाइनर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मल्टी कलर्स हैं, कई तरीके के कलर्स आ जाते हैं इसमें, ग्लिटर के भी होंगे और नॉन ग्लिटर भी होते हैं। तो इसमें आप हर तरीके के कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ग्रे कलर है, ब्लू कलर है और ये आ जाता है ग्लिटर गोल्ड। तो इस तरीके के शेड्स आप अलग अलग तरीके के यूज़ कर सकते हैं 3D लाइनर में। आप चाहें ये यूज़ करिए, चाहे आप याली बॉर्डर्स का यूज़ करिए, या फिर आप फेविक्राइल की ये लाइनर का यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्लास पेंटिंग में। तो आप कोई से भी 3D लाइनर्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हम यूज़ करेंगे फेविक्राइल की ग्लास कलर्स। तो अब चलते हैं अपनी पेंटिंग की तरफ कि हमें पेंटिंग किस तरीके की करनी चाहिए और किस पेज पे हम करने वाले हैं। तो ग्लास पेंटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा OHP सीट का। ये आ जाती है OHP सीट, ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वह आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की OHP सीट होती है, ट्रांसपेरेंट, जैसे हम ग्लास में यूज़ करते हैं वैसे ही हम OHP सीट में भी यूज़ करते हैं। और इसको जब आप यहाँ पे ग्लास पेंटिंग का पूरा वर्क कर लें तो उसको फ्रेम के पीछे आप इसको अटैच कर सकते हैं। सेम तरीका है, चाहे आप ग्लास में कर लीजिए डायरेक्ट या फिर आप इस OHP सीट में कर लीजिए। ग्लास पेंटिंग के लिए मैंने एक प्रिंटआउट निकलवाया है इस तरीके से, देखिए पैरेट का है, साइड में फ्लावर्स हैं, कुछ तरीके का डिज़ाइन मैंने प्रिंटआउट करवाया है। आप चाहे तो प्रिंटआउट करवा सकते हैं या फिर आप कुछ ड्रॉ करने के बाद इसके बैक साइड में आप इस तरीके से लगा के उसमें आप 3D लाइनर्स की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको रखना है, बैक साइड में लगाना है और हम इसको अटैच कर लेंगे एक सेलो टेप से, उसके बाद हम इसमें 3D लाइनर से ड्रॉ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है, देखिए दोनों साइज एक ही हैं लेकिन हमें किस तरीके का हमें यहाँ पे बेस लेना है। जैसे ये इतनी एक्स्ट्रा आ रही है लाइन, तो उतनी हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें अटैच करेंगे। तो मैं पहले इसमें जितनी भी लाइन आ रही है बॉर्डर लाइन, उसको मैं कट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है, जितनी भी लाइन आ रही थी एक्स्ट्रा वो मैंने उसको कट कर लिया है। अब हमें इस तरीके से इसमें अटैच करना है, तो हमें लेवल देख लेना है, पूरा इक्वल लेवल आना चाहिए। और यहाँ से हम चारों तरफ से इसमें सेलो टेप से इसको अटैच कर लेंगे, जिससे आपका पेपर इधर से उधर हिले नहीं। तो अब मैंने देखिए चारों तरफ से यहाँ पे टेप से अटैच कर लिया है। अब मैं इसको फ्लिप कर लूँगा और यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर 3D लाइनर का यूज़ करना है। जितना भी ये डिज़ाइन आ रहा है वहाँ पर हमें ये वर्क करना है। तो 3D लाइनर में मैं यूज़ करने वाला हूँ मेटेलिक गोल्ड का, जो मैंने आपको अभी लाइनर दिखाई थी उसी का मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। तो जब आप ये यूज़ करें तब बस आप ये देखिएगा एक सीक्वेंस में आपको यहाँ पे चलना है। ऐसा नहीं है कुछ आपने यहाँ पे 3D लाइनर बनाया, कुछ यहाँ पे बनाया, लेकिन जब आप वर्क करेंगे तो ये अगर आपने यहाँ पे बनाया तो वो आपके हाथ से फैल सकती है। तो एक लाइन वाइज आपको ये वर्क करना होता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ यहाँ कर दिया, यहाँ बनाया तो फिर उन्होंने यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, एक लेवल से आपको यहाँ पे चलना है, जिससे आपका वर्क ख़राब भी ना हो और अच्छे से फिनिशिंग से कंप्लीट हो जाए। तो अब आपको यहाँ पे धीरे धीरे से यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये वर्क करना है। आपको पहले 3D कोन का अगर आपको चलानी नहीं आती है तो एक बार आप रफ में
ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। बिल्कुल इक्वल लेवल में इस तरीके से बननी चाहिए। और अगर कोई ट्यूब में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप एक पिन से थोड़ा सा होल आप बड़ा कर लीजिए इसका, फिर आप इसको वर्क करके देखिए कि किस तरीके से वो काम कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा लाइनर का वर्क तो पूरा हो चुका है पूरी तरीके से। अब ये पूरा मैंने फिल कर दिया है, लेकिन अब हमें 30 मिनट्स तक इसको ड्राई होने के लिए रोकना होगा, उसके बाद ही हम ग्लास कलर्स का यूज़ करेंगे। तो 30 प्रॉपर तरीके से ड्राई हो चुका है, अब हमें करना है ग्लास कलर्स। तो इनमें ग्लास कलर्स हम जो यूज़ करेंगे, कुछ यहाँ पर पिंक आएगा, लाइट पिंक आएगा। तो देखिए, जैसे ग्लास कलर्स में आपने देखा होगा, एक आ जाता है ट्रांसपेरेंट, देखिए वाइट के नाम से आता है, होता ये ट्रांसपेरेंट है, ये कलर को लाइट करने के लिए होता है। तो ये वाइट प्रॉपर वाइट नहीं होगा, अगर आप यूज़ करेंगे तो प्रॉपर वाइट नहीं होता है, बस आप कलर को लाइट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको लाइट कलर, जैसे मुझे लाइट पिंक बनाना है, तो मैं यहाँ पे पहले इसको अप्लाई करूँगा। पहले मैंने देखिए ये वाइट मैंने अप्लाई कर लिया, अब मुझे इसके ऊपर से पिंक का यूज़ करना है, जिससे हमारा कलर थोड़ा लाइट शेड हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और ये आ गया हमारा लाइट पिंक। और इसी को मैं इसके बगल में देखिए डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, तो कलर में आप खुद देख लीजिए कि कितना फ़र्क है। ये हमारा यहाँ पे आ गया डार्क पिंक, ये देखिए ये बन गया लाइट, ये बन गया डार्क। तो कुछ इस तरीके से आप वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप कलर को लाइट शेड का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और इसको देखिए अच्छे से आपको फिल करना है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग फिल नहीं करते हैं अच्छे से, जिससे जब ये ड्राई हो जाता है, जब वो देखते हैं कि उनका वर्क कहीं से कलर करा हुआ है, कहीं से कलर नहीं है। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से आप फिल कर दीजिए। अब जैसे कहीं मैंने वाइट ही छोड़ना है, तो मैंने वाइट हल्का सा जो लाइट ही देना है वहाँ ब्लाइट शेड का दे सकते हैं। जहाँ आपको मिक्स करना है वहाँ पे आप उसको पहले अप्लाई करने के बाद पिंक कलर का यूज़ करेंगे तो लाइट शेड हो जाएगा। बस इन्हीं बातों का ध्यान देना होता है कि कहाँ पे आपको कलर का कौन सा किस तरीके से यूज़ करना है। और जैसे देखिए अभी इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो बबल को आप किसी पेन के सहारे से उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप कोशिश करिए कि इसी बॉटल से ही रिमूव कर दीजिए, जैसे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आप बबल्स को रिमूव कर सकते हैं। बबल्स रिमूव करने का एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ कि आप ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए इसको आप सोक करके बबल्स को रिमूव कर सकते हैं। देखिए कितने इजी तरीके से आप बबल्स को रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से, उसके बाद आप कलर को फिर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए
देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ग्लास कलर्स को पूरा अच्छे से फिल कर लिया है। अब आप कहेंगे कि मैंने साइड में क्यों नहीं फिल किया है, तो जो मैंने साइड में जो छोड़ रखा है वो बैकग्राउंड के लिए छोड़ रखा है, जो मैं आपको सेकंड पार्ट पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से OHP सीट को सही तरीके से फ्रेम किया जाता है और क्या तरीका उसका सही है जिस तरीके से इसको फ्रेम करें, और जितना भी ये मैंने एरिया छोड़ रखा है बैकग्राउंड लगने के बाद वो किस तरीके से ये पेंटिंग का लुक आता है, वो सब चीज़ें मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। मैंने पहले पार्ट में आपको दिखा दिया कि किस तरीके से ग्लास कलर्स को यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कैसे 3D कलर का यूज़ करना चाहिए, वो मैंने आपको इस पार्ट में बताया है। तो जैसे अगर आपको कोई ग्लास कलर्स के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद वहाँ पर मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई आपको तभी मिलेगा जब आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, जब मैं आपको देखूँगा कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तभी आपको उसमें रिप्लाई मिलेगा। कोई भी क्वेरीज होगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज में भी कर सकते हैं, उसका नाम भी मयंक अग्रवाल आर्ट्स है। तो आप मुझे फेसबुक पेज में भी वहाँ पे फॉलो करने के बाद आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तुरंत आपका आपको रिप्लाई मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।